वनडे विश्व कप अभी 8 महीने दूर है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा की बातों से लगता है कि वो विश्व कप में भी कप्तानी करना चाहते हैं। एशिया कप शुरू होने से पहले सभी कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें रोहित शर्मा ने कुछ इसी तरह का बयान दिया। रोहित ने कहा कि वो एशिया कप में 2019 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाएंगे। रोहित ने कहा कि हमें टीम संयोजन ठीक करने का मौका मिला है और हम इसे वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या अगले साल इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप की तैयारी के लिए एशिया कप अहम होगा, इस पर रोहित ने कहा, आप ऐसा कह सकते हैं, हर टीम विश्व कप में सकारात्मक सोच के साथ उतरना चाहती है। रोहित ने कहा कि एशिया कप हर टीम को विश्व कप से पहले संयोजन ठीक करने का मौका देता है। कप्तानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने कहा कि विश्व कप हमारे दिमाग में है, लेकिन अभी मैच दर मैच रणनीति बनानी होगी। साथ ही साथ रोहित ने यह भी कहा कि एशिया कप में उन्हें बड़ा मौका मिला है और वो इसे पूरी तरह भुनाना चाहेंगे, साथ ही साथ वर्ल्ड कप तक इसे जारी रखना चाहेंगे। रोहित शर्मा के अंदाज से तो साफ है कि वो पूरी तरह से कप्तानी के लिए तैयार हैं और आगे भी कप्तानी करना चाहते हैं। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।